अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सब खैरियत से होंगे और वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का। और आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास IRCTC का अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लीजिए और ऑनलाइन अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपको IRCTC एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम सबसे पहले में देख लीजिए फ्रॉम लिख पे सेलेक्ट करना है कि फ्रॉम मतलब कहाँ से आपको जाना है, सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद टू में सेलेक्ट करना है कि कहाँ तक आपको जाना है। उसके बाद आप तीन डेट देख ले रहे हैं, तीन ये कैलेंडर भी खोल के देख सकते हैं। और नहीं, अगर कैलेंडर मतलब ये 30 और 1 और 2 को दिख रहा है तो उसमें से कोई एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कैलेंडर से कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पर उस ट्रेन जो भी है उस रूट से सब दिखाएगा ट्रेन का, लेकिन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अगर वो दिख रहा है कंफर्म है मतलब, तो वो क्लिक करने के बाद आपको फिर से वेरीफाई करेगा आपको पासवर्ड या MPIN डालने के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये दिखा रहा है कि ये सीट अवेलेबल है तो कंफर्म है, तो हम एग्री कर लेते हैं। हम बुक करने के लिए अगला स्टेप जाते हैं। फिर यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना होगा, फर्स्ट में नाम डालना है, उसके बाद आपको एज डालना है और फिर उसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। आप देख लीजिए, उसके बाद आप इंडिया के तो है ही, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद एड्रेस में फिलअप करना है। आप कुछ सब खाना में थोड़ा थोड़ा कुछ भर दीजिए, एक ही खाना में सब एक ही सब पूरा एड्रेस लिखेंगे तो वो कभी कभी नहीं उठाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हर जगह पर आप फिलअप कर दीजिए। और पिन कोड डालेंगे, पिन कोड डालते ही आपका पूरा डिटेल्स आपके एरिया का पोस्ट ऑफिस का जो है वो दिखाएगा। तो देखिए पिन कोड जो होता है वो डालें, डालने के बाद देखिए ऑटोमेटिक पूरा दिखा दिया कि इसमें से कौन सा आपको विलेज है। तो हमने देख लीजिए पिन कोड डाला, फिर ऑटोमेटिक सब कुछ ले लिया। अब उसके बाद हमारा लोडिंग ले लिया। अब लोडिंग लेने के बाद हमारा कंफर्म के लिए फिर नीचे जाएंगे, नीचे में जो कैप्चर है, कैप्चर इमेज कोड है, ये इमेज कोड हम इंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हम टर्म एंड कंडीशन को ओके करते हैं। उसके बाद हमारा पेमेंट मेथड पर चला जाएगा कि पैसा जो है वो कैसे देना है, तो नेट बैंकिंग से देना है या जिससे। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको सेलेक्ट करना है कौन सा, तो हम नेट बैंकिंग सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। आप ATM से भी दे सकते हैं पैसा। तो देखिए हमारा 129.85 रुपया हमारा पेमेंट है। तो हमने SBI से पैसा नेट बैंकिंग के थ्रू हम पैसा पे करेंगे। तो हम देख लीजिए, अब ये कंफर्म करने के लिए बता रहा है जो कि कितना पैसा कटेगा, ये कंफर्म है तो कंटिन्यू करें। अब ये मेरे जो अकाउंट में जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP गया और वो OTP हम इंटर करने के बाद देखिए हमारा सारा कुछ कंफर्म हो गया, टिकट कंफर्म हो गया। और देख लीजिए यहाँ पर कंफर्म का भी बता रहा है कि यह नाम है और सब कुछ डिटेल्स यहाँ दिख रहा है और कुछ भी दिखा रहा है, सीट नंबर भी दिखा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा QR कोड भी दिखाएगा कि QR कोड जो है टिकट का वो भी दिखा रहा है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर इस वीडियो में कोई कमी बेसी लगता है तो प्लीज़ आप हमें सलाह कीजिए, हमें आप बताइए और कमेंट करके बताइए क्या कमी लगा हमारे इस वीडियो में और क्या चीज़ें और होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, प्लीज़ आप बताएं। तो मेरी